नमस्कार। अपने शब्दों की ताकत को समझना, यही शब्द आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। भगवान ने सबको एक मुंह दिया है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई लोगों के दिल को बाता है, कोई लोगों के दिल को चुभता है। कहते हैं ना कि इंसान लड़ाई भूल जाता है, लेकिन उसके द्वारा बोले गए अपमानजनक शब्द वो जीवन भर नहीं भूलता और वो प्रतिशोध की अग्नि में जीवन भर जलता रहता है और वो कभी न कभी आपसे बदला भी लेता है उन अपमानजनक शब्दों के। तो मुंह से हमेशा अच्छा बोलना। कहते हैं ना कि द्रौपदी के सिर्फ 7 शब्दों ने महाभारत करवा दी। उन्होंने दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, और यही 7 शब्द महाभारत करवा दी और बहुत बड़ा विनाश करवा दिया। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा मुंह से अच्छे शब्द बोलना, वरना इन्हीं शब्दों के वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता। तो अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट कैसे करें, अपनी बोली में कुछ परिवर्तन कैसे करें, ये देखिए। नंबर 1, तू और तुम की जगह आप बोलना। आप क्या बोलते हो? तू अशोक इधर आना, तू राकेश इधर आना, तू यहाँ बैठना, तुम इधर आना। अब इसी जगह अगर आप ये बोलोगे ना, अशोक जी आप इधर आना, रमेश जी आप इधर आना, कितना बड़ा अंतर है, थोड़ा सा तो चेंज करना है। तू की जगह सिर्फ आप करना है, तुम की जगह सिर्फ आप करना है। तू बोलोगे तो वही शब्द सामने वाले व्यक्ति को चुभेंगे और आप बोलोगे तो वही शब्द सामने वाले के दिल में उतरेंगे और कहेगा यार कितने सम्मान से हमें बुला रहा है, जाना चाहिए। तो अपने शब्दों में बस थोड़ा सा चेंज करना, तू और तुम की जगह आप बोलना, लोग आपके मुरीद हो जाएंगे, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, कहेंगे यार वाओ क्या बोलता है, क्या सम्मान देता है लोगों को यार, लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। सेकंड, शब्दों में कभी गाली गलौज का प्रयोग मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, बात बात पर गाली निकालते हैं माँ बाप की, छोटी मोटी बात पर यार दोस्तों के साथ बैठे तो भी गाली निकाल रहे हैं माँ बाप की, लड़ाई हो रही है तो भी निकाल रहे हैं गाली माँ बाप की। व्हाट आर यू डूइंग यार। बहुत से लोग तो पढ़े लिखे भी अच्छे अच्छे डिग्री धारी भी गाली निकालते हैं। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे और आपके मुंह से गाली निकल रही है ना, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो, आप सबसे बड़े अनपढ़ हो। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति गाली निकाल सकता है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो। क्या आप कभी पढ़ाई करते समय टीचर ने आपको बताया कि बोलते वक्त गाली निकालना? बताया नहीं बताया, लेकिन आप अपनी मर्जी से गाली निकालते और वही गाली गलौज सामने वाले को अपमानित करते हैं। और जब अपमानित करते हैं ना, तो वो व्यक्ति आपसे दुश्मनी पाल लेता है और फिर आपको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना, अपने शब्दों में कभी भी गाली गलौज, माँ बाप की गाली गलौज की प्रयोग मत करना। अगर आप ये करोगे ना, तो आप सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे लोगों के बीच में। थर्ड, हर किसी के नाम के पीछे जी लगाइए। आप भी बोलते होंगे कभी कभी, जैसे कि अशोक इधर आना, राकेश इधर आना, सुशील इधर बैठना, ठाकुर इधर बैठना, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। अगर आप इसी के पीछे ये लगा तो अशोक जी इधर लाना, रमेश जी इधर बैठना, राकेश जी यहाँ बैठना, कितना अंतर है। बस आपको सिर्फ जी लगाना है, जब जी लगाओगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति एक अच्छा फील करेगा, नहीं यार वो मुझे इज्जत दे रहा है। और आप कहोगे अशोक इधर आना, राकेश इधर आना, तो सामने वाले व्यक्ति देखेगा यार कैसे बात कर रहा है यार, इसको बात करने की तमीज ही नहीं है यार। तो थोड़ा सा चेंज करना है अपनी पर्सनालिटी में, अपनी बोली में, और बस आप लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाएंगे। जी तो लगाना है आपको, करना क्या है। तो जब भी किसी का नाम पुकारो ना, तो जी लेके पुकारना, भले ही वह आपसे थोड़ा छोटा हो कोई बात है, लेकिन आप उसको जी बोलोगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा नहीं यार वो मेरे से बड़ा है, फिर भी मुझे सम्मान दे रहा है, तो यह सबसे बड़ी बात। फोर्थ, बुराई तो हर कोई करता है, तारीफ करने का हुनर सीखना। बुराई करने वाले तो आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन तारीफ करने वाला आपको लाखों में एक ही मिलेगा। आजकल लोग बैठे बैठे हर किसी की बुराई करते रहते हैं, कि मुंह के सामने भी करते हैं, पीठ पीछे भी करते। अरे यार कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए, उसके सामने भी कीजिए और उसके पीठ पीछे भी कीजिए, 10 लोगों के सामने उसकी तारीफ कीजिए। जब आप किसी की तारीफ करते हो ना, तो सामने वाले व्यक्ति को तो पता नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन जब 10 लोग बैठे हो ना, तो वो क्या सोच, नहीं यार ये सामने भी अच्छा बोलता है व्यक्ति और पीठ पीछे भी अच्छा बोलता है, ये दो मुंह वाला व्यक्ति नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आजकल क्या है, दो मुंह वाले व्यक्ति होते हैं, सामने तो चापलूसी करते हैं, हेलो हाय नमस्कार बेटी, और पीठ पीछे गाली गलौज करते हैं, अरे हाँ यार वो आया होगा, उसकी बुराई करते हैं। ऐसा मत करना, बुराई तो हर कोई करते है यार। आप तारीफ करने का हुनर सीखना, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। फिर व्यक्ति के पीठ पीछे भी इज्जत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग बैठे होते हैं सबके सामने, अगर कोई किसी व्यक्ति को बुलाना है, अरे अशोक जी इधर आना यार, राकेश जी इधर आना, राकेश जी यहाँ बैठना यार, अशोक जी ये काम कर देना,
सामने तो ये बात करें, लेकिन जब अशोक जी चले गए हैं, आप चार पांच लोगों के साथ में बैठे हो, आप क्योंकि अरे यार वो अशोक आया था यार, अरे वो राकेश आया था यार, राकेश ऐसे कह रहा था यार, अरे अशोक तो अभी बैठ के गया है। अच्छी बात है, सामने तो इज्जत दे रहे हो और पीठ पीछे उसको तू तड़ाक से बात कर रहे हो। What are you doing? क्या कर रहे हो आप? दो मुंह की बातें कर रहे हो, दो अपनी बातें कर रहे हो। जब सामने वाले व्यक्ति को पता चल गया रे तो तू तड़ाक से बातें करता मेरे पीठ पीछे, तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? आपकी इज्जत तो जीरो हो जाएगी ना, जीरो से जीरो बन जाओगे ना। तो इज्जत देना है तो सामने भी दीजिए और पीठ पीछे भी दीजिए ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आप दिल से किसी को इज्जत दे रहे हो, उसके सामने दे रहे हो ना, तो उसके पीठ पीछे भी तो दीजिए ना। क्या आप बदल जाते हो? लोगों के सामने तो अलग हो जाते हो, उसके पीठ पीछे अलग हो जाते हो? ऐसा मत करना, व्यक्ति को सामने भी इज्जत देना और उसके पीठ पीछे भी इज्जत देना, तभी आप लोगों के बीच में लोकप्रिय हो पाओगे और आप लोगों को अपनी बोली से प्रभावित कर पाओगे। लोग आपसे मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। अपनी बोली में सिर्फ ये पांच परिवर्तन कर देना।